मूवी की शुरुआत में 1957 का समय दिखाया जाता है। रसल परिवार यहाँ ओहायो के एक छोटे से कस्बे नौकर स्ट्रिप में रहने आए थे। इन्होंने हिल के ऊपरी तरफ एक मकान किराए पर लिया और ये लगभग 9 सालों तक उसी मकान में रहे, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने उन्हें कभी नहीं अपनाया। शायद वे किराए पर रहते थे इसलिए, या फिर एक कारण ये भी हो सकता है कि वे बाकी लोगों से ऊपर की तरफ रहते थे, शायद इस वजह से लोग उनसे जलते हो। खैर, वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन विलर्ड रसल का विश्वास गॉड के लिए कभी कम नहीं हुआ। उसने पास के जंगल में अपना चर्च बना रखा था और वो वहाँ हर रोज प्रे करने आता और साथ ही अपने बेटे आर्विन को भी लाता। वो जब भी जीसस के क्रॉस को देखता तो उसे जंग का वो मंजर याद आ जाता जो उसने 12 साल पहले देखा था, जब वे 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहे थे। जंग के दौरान उसने जीसस के क्रॉस पर लटका हुआ अपना साथी मिलर जॉन्स देखा, जिसे जिंदा ही जला दिया गया था। वो मोमोज की चटनी की तरह बिल्कुल लाल हो गया था। दुनिया भर के मक्खी मच्छर उस पर भिनभिना रहे थे और तभी वो जाग गया। मिलर जॉन्स को इतनी तकलीफ में देखकर विलर्ड ने उसे शूट कर दिया। जंग तो खत्म हो चुकी थी थैंक्स टू मिस्टर ओपनहाइमर, लेकिन जंग के बाद भी मिलर जॉन्स वाला वो नजारा विलर्ड की आंखों के सामने घूमता रहा। वो वापस शहर आ गया था। घर जाने से पहले उसने यहाँ रुक कर कॉफी पीनी चाही तो उससे एक बंदा टकरा गया जिसका नाम है कार्ल। इसका नाम याद रखना, इवन इस मूवी में सबके नाम याद रखना, हो सके तो नोट्स बना लो क्योंकि आज सच में मजा आने वाला है। तो विलर्ड आज प्यार में पड़ने वाला था, लेकिन उसके प्यार में पड़ने से ठीक पहले कार्ल को भी अपनी जीवन साथी मिल गई जिसका नाम है सैंडी। सालों बाद सैंडी कार्ल को शूटर बुलाने लगी और कार्ल सैंडी को बेट, बेट मतलब चारा, जो किसी को फंसाने के लिए दिया जाता है। ये एक दूसरे को इन नामों से क्यों बुलाते थे ये हमें आगे पता चलेगा। इधर विलर्ड को एक खाते पीते घर की लड़की पसंद आ गई। इस लड़की का नाम है शार्लेट, जो पहली बारी में तो विलर्ड से नहीं पटी, लेकिन विलर्ड जब वापस इसके हाथ की कॉफी पीने आया, वो भी अपने घर से 100 किलोमीटर दूर, तो यहाँ ये लड़की फिसल गई। और वैसे भी विलर्ड देखने में भी हैंडसम था। वैसे विलर्ड की एक माँ भी थी जो उससे बहुत प्यार करती थी, और उसका एक अंकल भी था जिसे विलर्ड ने गिफ्ट में एक बंदूक दी जो वो जर्मनी से लाया था। इसकी माँ ने गॉड से प्रॉमिस किया था कि अगर वो जंग से जिंदा लौट आया तो वो उसकी शादी हेलन से करेंगी, जो कि एक अनाथ लड़की थी। हेलन के माँ बाप आग में जलने की वजह से मर गए थे और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय विलर्ड की माँ के। लेकिन विलर्ड तो पहले ही कॉफी शॉप वाली लड़की शार्लेट को अपना दिल दे चुका था, वो भले कैसे किसी अनजान लड़की से शादी कर लेता। सो इसी में ये भी ऐड कर दूं कि विलर्ड की माँ बहुत ज्यादा धार्मिक है, सेम ये लड़की हेलन भी, लेकिन विलर्ड का धर्म की तरफ उतना झुकाव नहीं है जितना उसकी माँ का है। अब यहाँ पर एंट्री होती है रॉयल ऑफर्टी की। आप लोग बनाते रहो नोट्स, अभी तो 3-4 कैरेक्टर्स और इंट्रोड्यूस होंगे। तो रॉय यहाँ चर्च में प्रीचर का काम करता है। प्रीचर माने वो आदमी जो ईश्वर के संदेश लोगों तक पहुँचाता है। वो क्या चीज़ है जिससे आप सबसे ज़्यादा डरते हो? अगर वो चूहे हैं तो शैतान ये ध्यान रखेगा कि आप पर भर भर के चूहे छोड़े जाए। गॉड की शरण में जाने से पहले मैं भी मकड़ियों से बहुत डरा करता था। वे मकड़ियाँ मेरे सपनों में आती और मुझे अपने जाल में फंसाती थी। मैं उन्हें अपने चारों तरफ महसूस करता था, लेकिन जब से मैंने गॉड का हाथ पकड़ा है तब से मेरे अंदर एक अनोखी शक्ति आ गई है, और अब स्पाइडर तो क्या, स्पाइडर मैन भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहते हुए उसने जार से सारी मकड़ियों को अपने मुंह पे पलट दिया। तो भाई, इन ढकोसलेबाजी का विलर्ड पर तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन हेलन प्रीचर रॉय की दीवानी हो गई। और इधर विलर्ड शार्लेट से शादी करके ओहायो के छोटे से कस्बे लोकर स्ट्रिप में आ गया जहाँ से इस मूवी की शुरुआत हुई थी। इनके बेटे आर्विन का भी जन्म हो गया था। ये लोग इसी उम्मीद में यहाँ पर आए थे कि एक दिन ये लोग इस घर को खरीद लेंगे, और इसके लिए विलर्ड दिन रात मेहनत करने लगा, और वे दोनों अपने घर खरीदने के सपने को पूरा करने के लिए एक एक पैसा बचाने लगे। अब विलर्ड पति के साथ साथ एक पिता भी बन चुका था, इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो दोबारा ईश्वर से प्रे करना शुरू करेगा। उसने जंग का वो मंजर देखने के बाद से लेके अभी तक एक बार भी प्रे नहीं किया था, लेकिन अब उसे अंदर से लग रहा था कि अगर वो ईश्वर के सामने नहीं झुका तो उसके परिवार को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि ओवरऑल गॉड की इमेज ऐसी है कि उसकी गुलामी करते रहो तो तुम बचे रहोगे, और जिस दिन से तुमने गुलामी करना छोड़ दिया उस दिन से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। यही सोचते हुए विलर्ड ने जंगल में एक क्रॉस लगा दिया जहाँ वो रोज प्रेयर करने लगा। उसने अपनी माँ को खत भी लिखा कि उसने दोबारा प्रे करना शुरू कर दिया है। उसकी माँ और हेलन इस बात से बेहद खुश हुई।
हेलन अब खुद एक माँ बन चुकी थी। उसने चर्च के प्रीचर रॉय से शादी कर ली थी और वो अपनी बेटी लेनोरा को यहाँ छोड़कर अपने पति रॉय के साथ ट्रिप पर जा रही थी। कोई नहीं जानता था कि ये ट्रिप उसकी आखिरी ट्रिप होगी। उन्हें हेलन की बॉडी 7 सालों बाद जाके मिली, वो भी फॉरेस्ट में दबी हुई। 1957 में आर्विन 9 साल का हो चुका था। इस टाउन में वही इकलौता बच्चा था जिसका यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि यहाँ कोई भी उनके परिवार को पसंद नहीं करता था और इसी वजह से आर्विन की भी स्कूल में आए दिन पिटाई होती रहती थी। तो ये मूवी का पहला सीन है जब आर्विन और उसका डॉग जैक विलर्ड के साथ प्रे करने जा रहे थे। प्रेयर के बीच में वहाँ 2 लोग आ गए जो हिल के नीचे की तरफ रहते थे। वे यहाँ फॉरेस्ट में शिकार करने आए थे। विलर्ड को देख कर वे उसके बारे में भला बुरा बोलने लगे। एक ने तो उसकी बीवी के बारे में भी उल्टा सीधा बोला। ये सुनकर भी विलर्ड अपनी जगह से नहीं हिला, क्योंकि ये वक्त सिर्फ गॉड के लिए था, ना कि और किसी के लिए। फिर अगले दिन विलर्ड आर्विन और जैक को लेकर टाउन की तरफ गया। उसने अपने बेटे को बड़े ध्यान से देखने के लिए कहा और फिर वो गाड़ी से निकलकर बड़े गुस्से में उन बंदों की तरफ बढ़ने लगा जो कल फॉरेस्ट में उसकी बीवी को गाली दे रहे थे। उसने बंदे को मार मार कर उसका भूत बना दिया। एक पल को तो लगा कि विलर्ड उसे जान से मार देगा। उसने दूसरे बंदे को भी नहीं छोड़ा और फिर वो सरेआम ये काम करके वापस आर्विन के पास आ गया और उससे कहा कि जो मैंने इनके साथ किया है वही तुम्हें उनके साथ करना है जो तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत करते हैं। बस तुम्हें ऐसा करने से पहले एक सही वक्त चुनना होगा। ये बात आर्विन के दिमाग में घर कर गई। वो आज भी जब इस दिन के बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि ये दिन उसका उसके पापा के साथ बिताया हुआ सबसे खास दिन था। लेकिन जब वे वापस घर लौटे तो सब कुछ बदल गया। शार्लेट को कैंसर था और अब डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। विलर्ड पूरी तरीके से टूट चुका था। उसे लगा कि अब गॉड ही उसकी बीवी को बचा सकते हैं, इसलिए वो अपने बेटे के साथ गॉड से प्रेयर करने लगा कि गॉड उसकी बीवी की जान बख्श दे और उसके अंदर के कैंसर को ख़त्म कर दे। उसे लगा कि गॉड तो सब कुछ कर सकता है तो वो उसकी भी मदद करेगा अगर वो उसके सामने पूरी शिद्दत से प्रेयर करेगा तो। उसने आर्विन पे हाथ भी उठाया क्योंकि वो ठीक से प्रेयर नहीं कर रहा था। फिर आर्विन ने भी गॉड से भीख मांगी कि उसकी माँ को ठीक कर दो, लेकिन दिन रात की प्रेयर के बाद भी शार्लेट की सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। विलर्ड को लगा कि गॉड शायद उससे और भी कुछ चाहते हैं। क्रिश्चियनिटी में ऐसा माना जाता है कि गॉड में अपना विश्वास प्रूव करने के लिए आपको किसी न किसी चीज़ का बलिदान देना पड़ता है। विलर्ड ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने आर्विन के कुत्ते जैक को गोली मार दी ताकि उसके बदले गॉड उसकी बीवी को ठीक कर दे। आर्विन बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, लेकिन उसका पिता अपनी बीवी के लिए एक तरीके से पागल हो चुका था। इतने बड़े बलिदान के बाद गॉड ने उसकी दुआ कबूल कर ली और अगले ही दिन शार्लेट की मौत हो गई। विलर्ड ने अपने बेटे से कहा कि अब वो उसकी दादी और अंकल के पास जाएंगे क्योंकि यहाँ उनके लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन आर्विन अपने डैड की बातों को अनसुना करके अंदर जाने लगा। वहाँ उसे गेट पर एप्पल पाई मिला जो कोई उनके लिए छोड़ गया था। आर्विन एप्पल पाई खाते हुए अपनी मॉम और उनसे भी ज़्यादा अपने डॉग जैक के बारे में सोच रहा था, क्योंकि जैक के साथ जो हुआ था वो तो मॉम से भी ज़्यादा खतरनाक था। यही सब सोचते सोचते रात हो गई और फिर वो अपने डैड को ढूंढने जंगल में चला गया। उसका डैड अपने बनाए हुए चर्च में बैठा हुआ था। आर्विन ने उन्हें देखकर कहा कि अब मैं प्रे नहीं करने वाला, अब तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तभी उसने देखा कि उसके डैड तो डैड हो चुके हैं। आज के दिन उसकी माँ गुजरी और आज ही के दिन उसके पिता ने खुदकुशी भी कर ली। पास में एक पुलिस वाला ली बड़े दिल और जान से ड्यूटी कर रहा था। ली की बहन है सैंडी, जिसे स्टार्टिंग में कॉफ़ी शॉप में दिखाया गया था। तो ली आर्विन के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हारे मुंह पे खून कैसे लगा है। लेकिन वो खून नहीं, सिर्फ एप्पल पाई था। इसके बाद ये आर्विन के साथ जंगल में गया जहां हम देखते हैं कि क्रॉस पे एक लाश लटकी हुई है जिस पे दुनिया भर की मक्खी भिनक रही थी। ये लाश और किसी की नहीं बल्कि जैक की थी। कुत्ते के साथ इतना बुरा हुआ सिर्फ इस विश्वास पे कि गॉड को हिंसा बहुत पसंद आएगी। लेकिन बात नहीं बनी। अब आज से ठीक 7 साल पहले का वक्त दिखाते हैं जब हेलेन की बेटी लेनोरा का जन्म हुआ था। उस वक्त उसका पति रॉय पूरी तरीके से पागल हो चुका था। चर्च में अपने ऊपर मकड़ी डालते वक्त इस बार एक मकड़ी ने उसके मुंह पे काट लिया था जिससे उसका पूरा मुंह सूज गया। और इस बात का कॉन्क्लूजन रॉय ने ये निकाला कि गॉड उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और वो चिल्ला चिल्ला कर गॉड से बात करने की कोशिश करने लगा। वो ऐसा हफ्तों तक करता रहा। जो हेलन गॉड के लिए पागल थी
वो भी अब रॉय के इस पागलपन से परेशान होने लगी थी। उसने रॉय को समझाने की भी कोशिश की कि क्या पता गॉड चाहते हो कि अब तुम अपने परिवार पे ध्यान दो, लेकिन रॉय पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। हफ्तों बाद एक दिन रॉय को गॉड की आवाज़ सुनी जो उससे कुछ कहना चाहती थी। ये आवाज़ सुनते ही रॉय खुशी से झूम उठा। उसे नहीं पता था कि हम 24/7 जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो चीज़ हमें दिखाई भी देने लगती है और सुनाई भी। उसे नहीं पता था कि इल्यूजन्स किसे कहते हैं, ना ही उसे पता था स्क्रिंजोफ्रेनिया के बारे में, जिसमें हमें भ्रम होने लगता है और वो चीज़ें दिखने लगती है जो हकीकत में होती भी नहीं है। तो वो दिन आ गया जब हेलन अपनी प्यारी सी बेटी लेनोरा को आरविन की दादी के पास छोड़कर अपने पति रॉय के साथ ट्रिप पर जाने लगी। वे लोग वॉक के लिए जंगल में रुक गए। रॉय ने उसे बताया कि गॉड यहीं पर है और मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ, और अगले ही पल उसने अपनी बीवी की गर्दन में स्क्रू ड्राइवर घुसा दिया। उसकी बीवी तड़पते हुए अपनी बेटी लेनोरा का नाम लेते हुए मर गई, और फिर रॉय ये चेक करके कि वो मर गई है उसे वापस जिंदा करने की कोशिश करने लगा। गॉड, मैंने आपकी आवाज़ सुनी है। हेलन, मैं तुम्हें पुनर्जीवित करता हूँ। जो गॉड मेरे अंदर है उसके आदेश पर मैं तुम्हें पुनर्जीवित करता हूँ, वापिस आओ। फिर वो ऊपर देखकर गॉड से कहने लगा कि अब तो टाइम हो चुका है, वापिस आओ जल्दी, आत्मा वापिस आओ। वो गॉड को पुकारता रहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा कि वो पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर लेगा, लेकिन उसके भाई ने उससे कहा कि तुमने अपनी बीवी को गॉड के नाम पर एक स्क्रू ड्राइवर से मारकर दफना दिया, पुलिस वाले तुम्हें सिर्फ साइकोपैथ समझेंगे, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। अगली सुबह हम देखते हैं कि रॉय अपने भाई को अकेला छोड़कर वापस अपनी बेटी से मिलने के लिए घर जाने लगा। उसे रास्ते में लिफ्ट मिल गई थी, और उसे लिफ्ट दी किसने? वही कार्ल और सैंडी, जिन्हें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। कार्ल और सैंडी ने शादी कर ली थी और ये दोनों अक्सर अनजान लोगों को लिफ्ट देते रहते थे। कार्ल का कहना था कि उन्हें अजनबियों से दोस्ती करके अच्छा लगता है। इसी दोस्ती के चक्कर में वे रॉय को एक जंगल में ले आए जहां सैंडी फुल मॉडल बन के बैठी हुई थी। कार्ल ने रॉय को सैंडी के साथ कुछ पोज देने के लिए कहा ताकि वो उनकी अच्छी सी फोटोज क्लिक कर सके, लेकिन रॉय को ये बात ठीक नहीं लगी तो कार्ल ने अपनी बंदूक निकाल ली। रॉय एक धार्मिक इंसान था, वो किसी दूसरी लड़की के साथ बिना कपड़ों के फोटो क्लिक कराना तो दूर, ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसने कार्ल को साफ मना कर दिया। कार्ल के जोर देने पर भी वो नहीं माना। रॉय ने एक बार आसमान में देखा और इमेजिन किया कि मौत दिखती कैसी होगी, और उसने फिर आखिरी बात कही, उसका नाम लेनोरा है। वापिस 1957 का समय दिखाते हैं। अपने डैड की मौत के बाद आरविन अपनी दादी के पास रहने आ गया। उसे वहाँ दादी और अंकल के साथ एक छोटी बहन लेनोरा भी मिली। इसके बाद 1965 का वक्त दिखाते हैं। आज आरविन का 18वां जन्मदिन था। जन्मदिन के गिफ्ट के तौर पर उसके अंकल ने उसे वही बंदूक दी जो आरविन के डैड ने जंग के बाद अंकल को दी थी। आरविन अपने डैड के बारे में सुन के इतना खुश नहीं हुआ क्योंकि उसे आज भी याद था कि उन्होंने अपने पागलपन में उसके कुत्ते जैक के साथ क्या किया था। फिर भी उसने वो बंदूक रख ली। स्कूल में कुछ लड़के लेनोरा को बुली करते थे जिनसे अक्सर आरविन की लड़ाई होती रहती थी। वो अपनी छोटी बहन लेनोरा को लेके बहुत प्रोटेक्टिव था। लेनोरा अक्सर अपनी माँ की कब्र पर जाया करती थी और आरविन भी उसे कंपनी देने के लिए उसी के साथ होता था। आरविन को लगता था कि लेनोरा का बाप कहीं मजे कर रहा होगा, और उसने लेनोरा से पूछा भी कि अगर उसका बाप किसी दिन वापस आ गया तो वो क्या करेगी। उसने कहा कि मैं उन्हें माफ करके एक नई शुरुआत करूंगी। दरअसल लेनोरा अपनी माँ की तरह कुछ ज़्यादा ही धार्मिक थी और वो माफ़ करने में विश्वास रखती थी। हालांकि आरविन बिल्कुल भी धार्मिक नहीं था, जो उसने बचपन में देखा उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी दादी और बहन की खुशी के लिए उनके साथ चर्च आ जाया करता था। चर्च के पुराने प्रीचर बीमार चल रहे थे, इसलिए वहाँ एक नया प्रीचर भेजा गया जिसका टाउन के लोगों ने बड़े धूमधाम से स्वागत किया। सभी धर्म के ठेकेदारों की तरह वो भी बहुत अच्छी स्पीच देता था, इसलिए सब लोग एक ही दिन में उसके दीवाने हो गए। अगले दिन लेनोरा उन बदमाश लड़कों से बचकर आरविन के साथ निकल गई। आज आरविन उसके साथ कब्रिस्तान नहीं गया क्योंकि उसे कुछ काम था। ये चीज़ लेनोरा को काफ़ी बुरी लगी और वो अकेले ही अपनी माँ की कब्र पर चली गई। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई और वो पास ही बने प्रीचर के घर आ गई। वो प्रीचर से गॉड के बारे में और जानना चाहती थी। उसने प्रीचर से वही भगवान की बातें करी। दूसरी तरफ आरविन अपना ज़रूरी काम करने पहुंच गया। सालों पहले उसके पिता ने उसे बताया था कि बदला लेने का एक सही वक्त होता है। आरविन उनकी ये बात कभी नहीं भूला।
उसने एक एक करके तीनों से बदला लिया जो उसकी बहन को परेशान करते थे। उसने उनकी इतनी बुरी गत कर दी कि अब वो लेनोरा को परेशान करना तो क्या, उस बारे में सोचेंगे भी नहीं। आज ये काम करके उसे अपने पिता की याद आ गई। दूसरी तरफ प्रीचर को दिखाते हैं जो लेनोरा के साथ कार में बैठा हुआ था। उसने लेनोरा से पूछा, क्या तुम कभी किसी प्रीचर के साथ खुली हो? जब लेनोरा नहीं समझी तो उसने उसे समझाया कि क्या तुम किसी प्रीचर से ऐसे मिली हो जैसा गॉड ने तुम्हें बनाया है। ऐसे ही बातें घुमा घुमा के उसने लेनोरा को अपने कपड़े उतारने के लिए कन्वेंस कर लिया। कुल मिलाकर उसने गॉड के नाम पर लेनोरा का इस्तेमाल कर लिया क्योंकि वो लड़की पहले से ही गॉड की भक्ति में अंधी थी, तो ऐसे लोग बाय डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा डेंजर में होते हैं। गॉड के नाम पर उनका इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। यही लेनोरा के साथ भी हुआ। दूसरी तरफ सैंडी को दिखाते हैं जो कार्ल के पागलपन से परेशान हो चुकी थी। वो यहाँ से भागना चाहती थी लेकिन कार्ल ने इस तरीके से उसके दिमाग पर कब्जा कर रखा था कि वो चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पा रही थी। उसने उन विक्टम्स की फ़ोटो देखी जिन्होंने उसके साथ मरने से पहले अच्छा वक्त बिताया था। इन दोनों ने अब तक 14 लोगों को मार दिया था, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने रॉय को मारा था। एक रोज सैंडी का भाई ली घर पर आ गया। ये वही पुलिस वाला है जो विलर्ड के मरने के बाद आर्विन से मिला था। ली सैंडी की हरकतों से परेशान था। उसे डर था कि सैंडी की वजह से उसकी इमेज खराब ना हो जाए क्योंकि वो आने वाले इलेक्शन में खड़ा होना चाहता था। उसे सैंडी की एक फोटो भी मिल गई जिसे उसने बाद में देखा। ही बी लाइक, सैंडी तुम ये सब क्या कर रही हो? फिर ली को दिखाते हैं कि किस तरीके से वो माफिया और क्लब वालों के साथ मिला हुआ है। वो सारे दो नंबर के काम स्मूथली चलने के लिए उन सब से पैसे लेता था। ली हाईली करप्ट था और इसी क्वालिटी के साथ वो इलेक्शन भी लड़ना चाहता था। इधर लेनोरा को उल्टी होने लगी। उसकी तबीयत दिन पे दिन खराब हो रही थी। आज वो अपनी तबीयत की वजह से चर्च भी नहीं जा पाई जिसका उसे बेहद पछतावा हो रहा था। आर्विन ने उसे तसल्ली भी दी कि तबीयत खराब भी तो गॉड ने ही करी है अगर सब कुछ वही करता है तो। असल में लेनोरा प्रेग्नेंट थी। उसने प्रीचर को भी ये बात बताई लेकिन प्रीचर ने बच्चे को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। वो तो उल्टा उसे डांटने लगा कि तुम गॉड के घर में ऐसी अपमानजनक बातें कैसे कर रही हो। कुल मिला के प्रीचर ने उसे भगा दिया ये कहकर कि मैं किसी लावारिस बच्चे को अपना बेटा नहीं बनाऊंगा। अगर लेनोरा ने उस बच्चे को जन्म दिया तो उसकी दादी शर्म से मर जाएगी और बच्चे को गिराने का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वो पक्की क्रिश्चियन थी। तो उसने फैसला किया कि वो खुद की जान ले लेगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। उसने फंदा अपने गले में डाल ही लिया था। ये कदम उठाने से ठीक 10 सेकंड पहले उसे ख्याल आया कि दादी मेरे बच्चे को एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि उन्होंने मुझे भी तो एक्सेप्ट किया था। लेकिन गलती से उसका पैर फिसल गया और अनजाने में उसकी मौत हो गई। कोई नहीं जान पाएगा कि लेनोरा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लेनोरा की मौत का झटका आर्विन जैसे तैसे झेल रहा था। तभी पुलिस वाले से उसे पता चला कि लेनोरा प्रेग्नेंट थी। पहले तो उसे लगा कि पुलिस वाले को कोई गलत फहमी हुई है लेकिन पुलिसमैन इस बात को लेकर श्योर था। अब आर्विन समझ गया कि ये काम ज़रूर प्रीचर का है। इसके बाद उसने प्रीचर पर नज़र रखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि प्रीचर जवान लड़कियों को धर्म के नाम पर बहला फुसला कर अपने साथ ले जाता था और घर आकर वो अपनी बीवी से भी गलत काम करवाता था जो कि किसी भी एंगल से धार्मिक नहीं है। उसने फैसला कर लिया कि वो प्रीचर को उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर देगा। दूसरी तरफ सैंडी और कार्ल को एक नया बकरा मिल गया जो कि एक फौजी था। वे लोग फौजी को जंगल में ले गए और उसके साथ फोटोशूट करने लगे। फौजी के साथ भी वही हुआ जो बाकी 14 लोगों के साथ हुआ था। उन्होंने उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला। इधर आर्विन ने अपने अंकल से कहा कि मेरे जाने के बाद दादी का ध्यान रखना। ये कहकर वो चर्च पहुंच गया। पहले तो उसने प्रीचर को शूट करने की कोशिश की लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो चुपचाप सीट पर बैठ गया। फिर उसने प्रीचर से कहा कि आज यहाँ एक पापी आया है जिसे आपकी मदद चाहिए। आर्विन ने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी के साथ वो सब करता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए और फिर मुझे छोटी उम्र की लड़कियाँ भी बहुत पसंद है। एक लड़की को तो मैंने प्रेग्नेंट भी कर दिया है। कुल मिला के आर्विन ने वे सारी बात कही जो प्रीचर ने कर रखी थी। प्रीचर समझ गया कि ये मुझ पर जासूसी कर रहा है। तभी आर्विन ने उसे अपने निशाने पर ले लिया। प्रीचर ने उसे ब्रेन वॉश करने की कोशिश की लेकिन आर्विन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने तो पहले ही खुद को धर्म की बेड़ियों से आज़ाद कर रखा था। आर्विन ने प्रीचर को उसके कर्मों की सज़ा देते हुए शूट कर दिया। एक गोली में बात नहीं बनी तो उसने उसमें दो गोली और उतार दी। अब आर्विन यहाँ से भाग गया। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई।
अगले दिन सैंडी और कार्ल उसी रास्ते से जा रहे थे जहां आरविन की कार खराब हुई थी। उन्होंने उसे लिफ्ट ऑफर करी और फिर वो इनकी कार में बैठ गया। कार्ल ने उससे पूछा कि वो कहां जा रहा है और इसी तरीके से बात शुरू करके वो उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश करने लगा। लेकिन सैंडी का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जिस वजह से आरविन को थोड़ा अजीब लगा। फिर कार्ल ने कार को साइड में लगाने के लिए कहा क्योंकि उसे टॉयलेट जाना था। जैसे ही वो कार से उतरने लगा, आरविन ने उसकी गन देख ली। गन देखते ही वो सतर्क हो गया। फिर कार्ल ने टॉयलेट करके सैंडी से कार की चाबियां मांगी क्योंकि उसे डिग्गी में से कुछ निकालना था। ये देखकर आरविन और ज्यादा सतर्क हो गया। उसने अपनी गन निकालकर हाथ में ही रख ली और कार्ल ने भी अपनी गन निकाल ली। जैसे ही कार्ल आगे आया, आरविन ने उसे शूट कर दिया और फिर सैंडी ने भी हड़बड़ी में अपनी गन निकाल ली। आरविन ने उसे गन नीचे करने के लिए कहा लेकिन वो नहीं मानी और फिर आरविन ने उसे भी शूट कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि कल रात कार्ल ने सैंडी की बंदूक में ब्लैंक्स डाल दिए थे क्योंकि उसे डर था कि कहीं सैंडी उसे शूट ना कर दे। अगर कार्ल उसकी गोली नहीं निकालता तो इस वक्त आरविन मर चुका होता। तब आरविन ने कार्ल का वॉलेट चेक किया और उसे कार्ल के एक विक्टिम की फोटो मिल गई। ये देखते हुए उसने कार की छानबीन शुरू कर दी और उसे कैमरा की एक रील मिली जिसे लेकर वो यहाँ से निकल गया। थोड़ी देर में सैंडी का भाई ली भी यहाँ पर पहुँच गया। फिर वो सैंडी के घर गया और वे सारी फोटो ढूंढने लगा जो उनके क्राइम का सबूत थी। उसने वे सारी फोटो जला दी ताकि सैंडी की वजह से उसकी इमेज खराब ना हो जाए क्योंकि उसे इलेक्शन लड़ने थे ना। फिर उसे अपने कलीग से पता चला कि पास के एक टाउन में किसी 18 साल के लड़के ने प्रीचर को गोली मार के ख़त्म कर दिया। प्रीचर को भी उन्हीं 9mm की गोलियों से मारा गया था जिनसे सैंडी और कार्ल को मारा गया। ली समझ गया कि ये काम एक ही बंदे का है। फिर उसे पता चला कि रसल परिवार का बेटा आरविन रसल टाउन से गायब है और उसे आरविन की हिस्ट्री भी बताई गई कि कैसे उसने एक ही दिन में अपने माँ और बाप दोनों को खो दिया था। ये सुनते ही ली को याद आ गया कि आरविन वही लड़का है जिससे वो 8 साल पहले मिला था। वो समझ गया कि वो इस वक्त कहाँ पर होगा और वो निकला भी वहीं, उसी जंगल में जहाँ उसके पिता प्रेयर करते थे। आरविन यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि वो समझ गया कि उसके पिता ने जो किया वो उन्हें करना पड़ा क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उसकी माँ को बचाना चाहते थे और उन्हें उस वक्त जो सही लगा वही उन्होंने किया। जैसे कि आज आरविन को जो सही लगा वही उसने किया। पुलिस वाला उसके पास पहुँच गया और उसे बाहर निकलने के लिए कहने लगा। आरविन ने बताया भी कि वो प्रीचर एक बुरा इंसान था और उसकी वजह से उसकी बहन ने खुदकुशी भी कर ली। उसने सैंडी के बारे में भी बताया कि उसे मजबूरी में गोली चलानी पड़ी, लेकिन पुलिस वाला उसे इसलिए मारना चाहता था ताकि उसके थ्रू सैंडी की हकीकत बाहर ना जाए क्योंकि उसे इलेक्शन भी तो लड़ना था। तो आरविन ने अगेन अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई और वो गोली ठीक वहीं लगी जहां वो लगनी चाहिए थी। तो अब आरविन अपनी गन को दफनाकर यहां से दूर निकल गया इस उम्मीद में कि एक दिन उसे भी कोई मिलेगी और वो भी अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर पाएगा। उसने कार में जगे रहने की बहुत कोशिश की क्योंकि वो किसी अजनबी पर भरोसा नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ ही देर में वो थका हुआ होने की वजह से सो गया। लेकिन आप लोग बिना लाइक कमेंट और सब्सक्राइब किए बिना सो मत जाना। इस वीडियो पर बड़ी मेहनत करी है तो इसे शेयर करके अपना प्यार दिखाओ और बताओ कि आपको इस मूवी से क्या सीखने को मिला। और कुछ लोग शायद रिलीजन को लेके ऑफेंड भी हो जाएंगे, ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगा कि इस मूवी की वजह से अगर एक भी इंसान जीवन की हकीकत को समझ पाता है तो मुझे आपके ऑफेंड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।